कमी नहीं। वो बहुत कम मिलते हैं जो कहते हैं कि हमारे पास धन की कमी नहीं, वरना ऐसा नाश बोलिया बोले फोन करते हैं 2019 के बाद लोग हमें, और यूं कहते बहन जी हम गरीब हो गए। बताओ, निवेदन कर दूं आपके सामने, सुनो, हमारे पास प्रचार और प्रसार की कमी नहीं। आप क्या सोचते हैं, अरे समाज का प्रचार केवल इस प्रांगण तक ही सीमित है, विदेशों तक फैला हुआ है, जाकर के देखो हमारे पास संत महंत पुरोहित सेवक सब कुछ राष्ट्र के हित के लिए अपने जीवन को यापन करते हुए लोग मिलते हैं, फिर भी एक प्रश्न पूछता है कि फिर भी हम अपनी बात को, अपनी नहीं वैदिक सिद्धांतों की बात को बोलो संसार के अंदर सुचारू रूप से लागू नहीं कर पा रहे। कभी कारण ढूंढने का प्रयास किया नहीं। कारण है हमारा अहंकार जो सबसे पहले आ जाता है। मैंने लोगों को देखा जिनको पौराणिक कहते हैं साहब, 20-20 साल छोड़ो, 3-3 पीढ़ियां हो गई मूर्तियों को पूजते पूजते, पर जब उनके घर में जाते हैं वो कभी नहीं कहते कि बहन जी हमारा पोता शिव जी के मंदिर में घंटी बजाता है। क्यों? उनको इस बात का कोई अहंकार नहीं। और हम जाकर के बाद में बैठते हैं सबसे पहले, बहन जी मेरा पोता संध्या करता है, मेरा पोता हवन करता है, मेरा पोता गायत्री मंत्र बोलता है, ये अहंकार नहीं तो बताओ क्या है। लोग मंचों पर माइक पर खड़े हो करके कहते हैं मैं दोनों समय यज्ञ करता हूँ, मैं दोनों समय संध्या करता हूँ। अरे करते हो तो क्या एहसान करते हो? अगर तुम ये सब कुछ करते हो तो ये तुम्हारा कर्तव्य है। जैसे तुम भोजन करते हो, जैसे तुम स्नान करते हो, भोजन मत करो, समाज को कोई हानि नहीं होगी, हानि होगी तुम्हें। स्नान मत करो, देश को कोई हानि नहीं होगी, हानि होगी तुम्हें। ऐसी संध्या मत करो, समाज को हानि नहीं होगी, उसकी हानि भुगतनी पड़ेगी तुम्हें। जैसे भोजन और स्नान हमारे लिए जरूरी है, नींद हमारे लिए जरूरी है, वो तो ऐसे ही संध्या और हवन भी हमारे लिए जरूरी है। हम किसी पर एहसान नहीं करते यदि संध्या और हवन करते हैं, ये हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य निभाते हैं, कर्तव्य निभाना चाहिए, और जो नहीं निभाते वो लोग पाप के भागीदार बनते हैं, और जो कर्तव्य निभाते हैं वो लोग उनकी संतति आने वाले समय में क्या करती है, वृद्धि करती है। इसीलिए कवि को कहना पड़ा, और क्या कहना पड़ा बस सुन लो, बड़े सुंदर शब्दों में चर्चा करते हुए चल दूं आपके समक्ष। बुलबुलो कर तुम्हारा चमन लुट गया, बुलबुलो चमन गया, चाहे चाहते पता
धन्यवाद भाई साहब। और 100 रुपए आदरणीय प्रणाम जी
अभी थी 200 रुपये हमारे समाज के प्रदान करती राजे जी, 100 रुपये श्री महावीर सैनी जी और 100 रुपये विश्री राजे। धन्यवाद भाई साहब, 100 रुपये देकर के सम्मान करते हैं, 500 रुपये आर्य समाज के आयोजकों की तरफ से है आपका। 200 रुपये चंद्रकांत जी दे रहे हैं। बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र जी 100 रुपये दे गए हैं, धन्यवाद। धन्यवाद करती हूँ आप सभी का। निवेदन करनी थी कि फड़फड़ाकर उठाओ बाजू भला, फिर इन्हें आजमाने बोलो कहाँ जाओ। धर्म की हानि होती हो, गौ करती हो, नारी का अपमान होता हो, निर्बल को सताया जाता हो, और इन सबको वीर बहादुर या भारत का नौजवान बैठा हुआ देखता हो, तो फिर महाभारत का युद्ध बोलो हो जाता है। सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ, वीर बैठे थे सभा में वीर, पर बोलो किसी ने भी आवाज नहीं। इसलिए हो सकता है कि विरोधी बने आपके, विरोधी तो दयानंद जी के भी थे, हम तो चीज क्या है साहब, हम तो इकाई इतनी सी है समाज के अंदर, चिड़िया की तरह है हमारा अस्तित्व इस समाज में। पर वो ऋषि था, वो महर्षि था, वो फिर भी काम करते हुए चला, और कुछ क्या, क्योंकि समय इतना नहीं जो व्याख्या करूं, बस भजन के माध्यम से सुनो। और बड़ी सुंदर चर्चा करते हुए कवि ने वर्णन करते हुए लिखा है ऋषि दयानंद के बारे में, और क्या कह दिया सुनो भाई, थोड़ा सा बड़ी सुंदर व्यवस्था की है भाई काले भाई साहब ने, उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। फिर बात में समय नहीं रहता, और देखो ये छोटा सा बेटा, अच्छा मेरा क्या जा रहा है, अगर मैं कह दूँ आचार्य सभी श्री राम सुनम जी का पुत्र है, हाथ से बैठ करके आप पकड़ करके देखो तब पता चलेगा ना कितनी मेहनत होती है, ऐसे वीडियो बनाता है ये, चाहे तो जैसे लोग अश्लील गीत रागनी घेर देते हैं ऐसे भी डालकर कहीं यूट्यूब पर जुड़ सकता है। पर आगे समाज हिसार में आकर के बैठ करके वीडियो ऐसे बनाता है ताकि आप लोग इस प्रचार को बाद में बिना धन खर्चा किए सुन सके, और सोशल मीडिया से भी बोलो वैदिक प्रचार और प्रसार हो सके। इस बेटे ने मुझसे उम्मीद लगाई, विश्वास किया और कहा कि बहन जी मेरे चैनल के बारे में भी बोल देना, पर सुनो कभी आपको लगे कि मैंने बोल दिया इसलिए मुझे कुछ पैसा दिया, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आगे समाज की उपदेशी का हूँ, पैसे लेकर के नाम नहीं देती। निवेदन कर दो, इस बेटे का अनुराग का एक चैनल है, क्या नाम है बेटे चैनल का, वैदिक दर्पण हिसार, आप उसको सब्सक्राइब करें, पूरा सभी विद्वानों का प्रोग्राम आपको सुनने को मिलेगा, तुम्हारा भजन भी आएगा, तुम भी सुन लेना ठीक है। और मेरा चैनल भी है संगीता आर्या चैनल, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लेना, मेरे वीडियो पर फोन नंबर डले हैं, आप और चढ़ेंगे कार्यक्रम भी सुनेंगे। बस अपने ऋषि दयानंद जी के विषय में अंतिम भजन कहकर के वाणी को विराम दूंगी, पर ये मत समझ लेना अंतिम है तो कुटुंब के भागना शुरू कर दो, ठीक है ना, भोजन है मिलेगा पर भजन के बाद जवानी, ठीक है बेटियों। अब सुनो क्या कह दिया,